24 घंटे नहीं हुए हैं एनडी गठबंधन की सरकार बने, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के काले कारनामों ने एक बार फिर सिर शर्म से झुका दिया है। और ये जो आरोप लग रहे हैं ये हम नहीं लगा रहे हैं, ये बीजेपी के अंदर से, संघ के अंदर से, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक लगा रहे हैं। अब जो आरोप सामने आया है उसमें बीजेपी के नेता और उनकी आईटी सेल, जिसको मैं फेक न्यूज की फैक्ट्री कहती हूँ, उसके सरगना अमित मालवीय पर आरएसएस के एक नेता ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। संघ परिवार के नेता हैं शांतनु सिन्हा, वो बीजेपी के बंगाल के पदाधिकारी राहुल सिन्हा के भाई हैं, एबीवीपी के सदस्य रह चुके हैं, हिंदू संघ के प्रमुख हैं। उनका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बंगाल में औरतों का यौन शोषण करते हैं और सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर तक में ये काली करतूतें चलती हैं। उन्होंने बंगाली में ट्वीट करके, बांग्ला में ट्वीट करके ये भी लिखा है कि बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है औरतों की आपूर्ति करने की। उनका कहना है कि ये सब लोग मिलकर और अमित मालवीय का नाम लेकर, उन्होंने कहा है, औरतों का यौन शोषण करते हैं। ये आरोप कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये आरोप संघ के एक व्यक्ति का है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है।